नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। रीवा में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि घोषणा पटवारियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आपको बता दें कि जिले में खुलेआम किसानों को पटवारियों से लुटवाया जा रहा है। इसके बावजूद भी कलेक्टर आए दिन समीक्षा बैठक कर रही है, लेकिन बेलगाम पटवारियों पर कलेक्टर का कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। भाजपा राज में बड़े बड़े भ्रष्टाचार के लिए चर्चित रहने वाला रीवा जिला में अब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में नाम जोड़ने के नाम पर किसानों से खुलेआम लूट की जा रही खबर के साथ पटवारियों द्वारा लूट का जुर्मानिया देवतालाब के वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री किसान निधि उन्हीं किसानों को दी जानी है जो पीएम किसान सम्मान हेतु पात्र है। वह पीएम किसान के पात्रों की सूची स्वयं पटवारियों व पोर्टल पर उपलब्ध है, तो फिर कोरोना काल में फॉर्म और आधार के नाम पर क्यों भीड़ इकट्ठा की जाकर किसानियों को पटवारियों से लुटवाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर हर तहसील में राजस्व की समीक्षा बैठक आयोजित कर 1-to-1 पटवारियों को प्रशिक्षित कर तत्परता से कार्य किए जाने हेतु निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन जिले के बेलगाम पटवारियों पर कलेक्टर का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस तरह से रीवा जिले में पिछले 2 दशक से चल रही भ्रष्टाचारियों की बेखौफ लूट के पीछे सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका रही है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। क्या समस्या है आपको? पता नहीं कहाँ गड़बड़ी है, क्या समस्या है। कई बार हमने अपने यहाँ के क्षेत्र के पटवारी को कागजात दिए, लेकिन हमारे बच्चे का आया है कि आपका रिजेक्ट है, मोबाइल पे मैसेज आया। जी हाँ, पीएम जो किसान निधि है उसका लाभ आपको अभी तक नहीं मिल सका। अच्छा, ये गांव कौन सा है आपका? कोष्टा है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? संतोष कुमार तिवारी। अच्छा अच्छा, तो पटवारी हल्का का कहना क्या है? कुछ नहीं बोले थे, कागजात दे दो, होना होगा तो हो जाएगा। काम कर दिया, हम ऑनलाइन कर दिए, आप आ जाइए पैसे पास बात के लिए। सर हम कम से कम 1.5 महीना हमको कागज दिए, हो गया 6,000 रुपए वाला पहले 1.5 महीने से दिया हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ। पटवारी साहब बोलते हैं कि जाओ वहाँ तहसीलदार से बात करो, हमने अपना काम कर दिया। तहसीलदार से आपकी मुलाकात हुई? नहीं हुई। जी सर, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम जोगनिहारी जिला रीवा से हूँ। अच्छा अच्छा, क्या समस्या आपको? 2,000 रुपये मैं देते हैं साल में, 6,000 रुपये प्रधानमंत्री महोदय जी। अच्छा, पीएम किसान का? पीएम किसान का हमने फार्म एक बार दो बार पहले पटवारी को दिया जी, वो नहीं हुआ। फिर हम ऑनलाइन करवाया, 3 महीने हो गए, हमको अभी पैसा नहीं मिला। कब मिलेगा हमको पैसा? हम कहाँ जाए और किससे मिले? तो यहाँ तहसील में कंप्लेन की आपने? नहीं, अभी तो हम कंप्लेन के पटवारी से मिले, तो बोले कि अगले बार में मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, ये हल्का पटवारी कौन है आपके? ये कोई पटेल जी है, नाम पटेल जी, कुंदेश्वर सिंह पटेल जी। पटेल जी का क्या कहना है? वो बोले कि आपकी अगले बार लिस्ट में आएगी। अच्छा अच्छा, तो कारण भी बताए होंगे ना? कुछ कारण कुछ नहीं बताए, हमको बस यही कह के टाल दिए। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।